नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार कोरबा। स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक होने वाला है कि बकरी पालन की शुरुआत कैसे करें। बकरी पालन शुरुआत करने से पहले हमें बकरी पालन की तैयारी करना है। तैयारी करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है, आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो भाई चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब कर ले, पास लगे घंटे के बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। बकरी पालन की तैयारी इस प्रकार है, जैसे कि जगह डिसाइड करना, शेड बनाना, खिलाने के लिए फीडर बनाना, पानी के लिए डिंकर बनाना, कुछ मेडिसिन रखना आदि। तैयारी करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे हमारे पास कितनी जगह है, कहाँ पर रखना है, पानी का उचित प्रबंध होना चाहिए। बकरी हमेशा सूखे स्थान पर बैठती है तो उसको अच्छे से फर्श का व्यवस्था करना है, लकड़ी का फर्श या बांस का फर्श प्रबंध करना है। चाहे तो आप मार्केट से लकड़ी का रेडीमेड बेड खरीद सकते हो या घर में रखे पुराने पलंग लकड़ी से बेड बना सकते हो। इससे होगा कि ये बकरी गीला पर नहीं बैठेगी तो उसको कोई प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होगा, सर्दी नहीं होगा। आप जहाँ बकरी को रखोगे वहाँ छायादार शेड होना चाहिए। दिन में बाहर बैठने के लिए आसपास पेड़ होना चाहिए ताकि उनको कुदरती ठंडक मिलती रहे। अब बात आई बकरी को कैसे पालें। बकरी पालन दो तरह से किया जाता है, पहला चराई पे, जैसे खेत या सड़क किनारे चराते हैं, दूसरा स्टॉल फीडिंग पे। स्टॉल फीडिंग का मतलब होता है कि एक ही जगह रख कर बकरी पालन करना। बकरी पालन का क्रेज बढ़ते ही जा रहा है, इसलिए ज़्यादातर फार्मर स्टॉल फीडिंग पसंद करते हैं, क्योंकि आप एक जगह रख कर अपने बकरियों को हिष्ट पुष्ट बना सकते हैं। जहाँ चराने की बात है, बहुत लोग बकरी चराने पर शर्माते हैं, इसलिए स्टॉल फीडिंग बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? आप बकरी चराने जाओगे तो थोड़ी सी शर्म महसूस होगी और फिर आपका मन टूट जाएगा। जितने टाइम तक आप बकरी चराओगे उतना समय दूसरा काम करके उन्हीं पैसों से बकरी पाल सकते हैं। वैसे एक बकरी का एक दिन का खर्च 10 रुपये से लेकर 20 रुपये तक हो जाता है। इस कारण आप दूसरे काम करके अपनी बकरी को पाल लोगे और खुद का पॉकेट मनी भी ऐड कर लोगे। शुरुआती बकरी पालन को पार्ट टाइम के तहत करना है। उसके बाद जैसे जैसे बकरियां की आबादी बढ़ेगी उस हिसाब से आप बकरी पालन को मेन बिजनेस बना लेंगे। बकरी पालन का गणित ये है कि जब बकरी बच्चा देती है तो फीमेल को रखना है और मेल को खस्सी कराकर बेचना है। अब बात करते हैं बकरी कौन सा लाएं। तो हमें शुरुआती दौर में लोकल ब्रीड मतलब देसी बकरी से चालू करना है, क्योंकि हमें शुरुआत में बकरी पालन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती। देसी बकरी हमारे मौसम में अनुकूल ढली होती है, उनमें मौसमी बीमारी भी बहुत कम देखने को मिलती है, इसलिए शुरुआत में हमें बकरी पालन में आसानी होती है। अब बात करते हैं हमें कैसी बकरी खरीदनी है। बकरी खरीदने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे बकरी अच्छी हाइट की हो, बकरी में अच्छी साइनिंग हो, दुबली पतली ना हो, अच्छे से चल फिर रही हो, अच्छे से खा पी रही हो, जुगाली भी कर रही हो, कहीं पर कोई इन्फेक्शन ना हो, नाक नहीं बह रहा हो आदि, क्योंकि हमको इससे पैसा कमाना है। बकरी खरीदने के लिए हमें किसी एजेंट दलाल से नहीं खरीदनी है। एजेंट दलाल लोग कमीशन के चक्कर में बीमार बकरी या बांझ बकरी थमा देते हैं, जिससे नए बकरी पालक धोखा खा जाते हैं और फार्म बंद हो जाता है। तो जहां तक हो सके सस्ते के लिए किसी एजेंट से बकरी नहीं खरीदनी चाहिए। अब बात करते हैं बकरी पालन में लगने वाले मेडिसिन के बारे में। बकरी में आमतौर कुछ बीमारी सामान्य है, जैसे कि दस्त, डायरिया, बुखार, सर्दी, गैस की समस्या, आफरा आम बात है। इसके लिए हर बीमारी का दवा आसानी से जानवरों का मेडिकल में मिल जाता है। बकरी पालन में कौन कौन सी दवा रखनी है ये मैं एक वीडियो में बताना मुश्किल है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बकरी पालन करने से पहले हमें अच्छी तरह डिस्कस कर लेनी चाहिए, क्योंकि बकरी पालन में पहले एक साल कोई प्रॉफिट नहीं आने वाला है, एक साल बाद उसकी
कमाई चालू होती है। जैसे हम सबको पता है बकरी साल में दो बार बच्चा देती है, वही बच्चा बड़ा होगा तब जाकर उसे बेचेंगे तब मुनाफा मिलेगा। वैसे बकरी पालन आज के दौर में बहुत अच्छा व्यवसाय है, कई लोग बकरी पालन कर लाखों कमा रहे हैं, मगर जो कमा रहे हैं उनकी एकाग्रता और जीत की कमाई है। बकरी पालन में थोड़ी बहुत समस्या शुरू में आती है, मगर हमें पीछे नहीं हटना है, हमें बकरी पालन में जिद्दी होकर काम करना है, तभी हम बकरी पालन में सक्सेस हो सकते हैं। खाली समय में आसपास के बकरी फार्म या बकरी पालकों के बीच जाते रहना चाहिए, ताकि हमें कुछ जानकारी मिलती रहे जिससे बकरी पालन में समस्या ना आए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहें हमारे चैनल में। धन्यवाद।